संसार से दूर करने दुश्मनी की बदबू हमें धन्य करने आई है फ्रेंडशिप की ब्रांड एम्बेसडर्स बदबू यानी कि पद्मिनी कोल्हापुरे जी एंड पूनम ढिल्लन जी। आज इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि जब अपनी प्यारी सखियां सहेलियां आ जाती हैं हमारे सुपरस्टार सिंगर परिवार से मिलने, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम, सो नाइस यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड बेस्ट बच्चे एवर, बेस्ट बच्चों के साथ बेस्ट कैप्टन्स एवर। थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बुलाते हैं आज की पहली कंटेस्टेंट को। क्या सुपर फिनाले से पहले तोड़ पाएंगी अंडर कॉन्फिडेंस का दायरा, महाजन समायरा। अरे वाह, oh
अलका जी, आप भी ये मानते होंगे इतना मुश्किल गाना है ये गलियां, ये बहुत मुश्किल गाना है, और ये कैसे ये लोग गा लेते हैं, मैं तो ये सब कुदरत के करिश्मे हैं ये सारे, सच में। और इतनी मीठी आवाज है, इतनी मीठी आवाज है। पवन, आप किसको भेजना चाहते हैं? आदि भैया, मैं अपनी टीम से भेजना चाहूंगा हमारे प्रभु प्रांजल। वो संत महाराज यहाँ पधारिए। प्रांजल, तुम्हें खूब भालोगे इच्छो। मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रांजल,
आपने गाया, इतनी खूबसूरती से गाया और क्या आवाज है आपकी, ओह माय गॉड, क्या बताऊं मैं, खूब भालो। प्रज्वल तुमने दुनिया हिला दी। वो चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, मोहम्मद फैज। फैज, अब आप फैज नहीं, आप फैज जी हो गए हैं। मैं आप सबको बता दूं कि फैज पहले से ही एक वायरल सेंसेशन थे, लेकिन ये लोगों के गाने गा रहे थे, बस एक छोटी सी कमी थी और अब वो कमी पूरी हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि जो ओरिजिनल गाना हमारे फैज ने गाया है, इट इज कंपोज्ड बाय नन अदर देन हिमेश रेशमिया जी। जी हाँ, ये गाना ऑलरेडी रिलीज हो गया है, इसे ऑलरेडी मिलियंस ऑफ व्यूज मिल चुके हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि इसकी शुरुआत हुई थी एक प्रॉमिस से जो एचआर ने किया। ऐसा कभी हुआ नहीं, जो भी हुआ खूब हुआ, ऐसा कभी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूं मैं, तुझे कल भी प्यार करता था मैं, तुझे अभी प्यार करता
Thank you so much. Wow. Beautiful. Fantastic. Thank you, ma'am. इस तरह की आवाज, इस रेंज की आवाज, और जो आपने सिंगर्स का गाया सुरेश वाडकर जी का गाना, मतलब ही इज द अल्टीमेट क्लासिकल, और जो बोलते हैं सिखाते हैं लोगों को, एंड ऑफकोर्स किशोरदा, आपने बाई चांस कोइंसिडेंस दोनों ऋषि कपूर जी के गाने हैं. माई फिल्म ये वादा रहा एंड हर्स प्रेम रोग दोनों. और ये गाना जो आपने पहले मेरी फिल्म का गाया, चिंटू जी जो रोमांटिक गाना गाते थे उसमें एक उन्होंने ऐसे कुछ स्टेप किया था, ऐसा कभी हुआ नहीं मैं, वो बीच में एक ऐसा छोटा सा बीट है, आई डोंट थिंक कोई भी एक्टर इस तरह से कर सकता है चार्मिंग स्टाइल से. तो आप उन दोनों की आवाज़ों को अलाइव लाए हैं एंड आई थिंक वी आर रियली लकी टू हियर यू हियर टुडे. थैंक यू सो मच मैम. मेरे रोंगटे खड़े हो गए फैज़, सच में मैं क्या बताऊँ. बहुत ही खूबसूरती से आपने इस गाने को गाया, मजा आ गया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.
ये दोनों गाने आशा जी के गाए हुए, आशा भोसले जी के, आई थिंक वो सुनेंगी ना तो वो शील सल्यूट यू। इतनी छोटी सी उम्र में आपने ये दोनों गाने इतने लाजवाब गाए। मतलब लफ्ज ही नहीं है, सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी छोटी सी बच्ची ऐसी आवाज में इतने ऊंचे सुर में इतने हाई लेवल तक लेके जाएगी, और 7 साल में ये 7 से तो कहीं ज्यादा गुण है इसके अंदर। मैं तो अमेज हूँ, इसको तो अगेन ओवेशन फॉर हर। पूनम जी, आपका जो गाना है तू तू है वही, उस पे ना मैं कब की डांस करने की कोशिश कर रही हूँ पर मेरे से हो नहीं रहा है, तो क्या आप मुझे सिखाओगे? चलो बाल बाल बच गए। आपने अपने बालों से स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया अनुप। अनुप जी, हर बार आपका ये मटिया मेट कैसे हो जाता है पता नहीं। ओ वाओ, एचआर की वैनिटी, वाओ वाओ, क्या बात है। अरे वाह, टॉवल मिल गया, मैं अपना जरा बाल साफ करता हूँ। अरे ये क्या लगा हुआ? अरे चलो, अच्छा हुआ मेरे बाल जरा सूखे हो जाएंगे। वाओ, कितना मजा आ रहा है। अरे क्या हुआ? बचा बार भी कोई प्लानिंग मेरे खिलाफ की गई थी, और फिर से जाखो राके साईया मार सके ना कोई। रितु रितु यहाँ देख, उसी की चाल है, और फिर से तुम मुझे फंसा नहीं सके बेटा। कितनी बार, लेकिन मैं बचूंगा कब तक इस तरह से आदि। सर, अरे ऋतुराज, ये कुराफाती जो आइडिया है वो आया कैसे आपको ये दिमाग में? मेरा कोई गलती नहीं है, ये तो पूनम मैम ने बताया। हमेशा कुछ ना कुछ प्लान बनाते तो वो हमेशा फेल हो जाता है। एक काम करते हैं, इस बार फ्लॉप नहीं करते हैं, इस बार अच्छा कुछ काम करते हैं। बच्चे के साथ मिलकर आपने मेरे साथ ये प्लानिंग की पूनम। ओह माय गॉड, एचआर मारो मारो। अभी आप समझ सकते हो कि हम दोनों में से बदमाश कौन है। ऑफ कोर्स पूनम जी। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। रुद्राज, आप तैयार हैं? ऑल द बेस्ट ब्रो, टेक केयर। I'm not afraid to die.
बात है, क्या बात है। मेजर कर रही हैं आपको। क्या हो तुम? अच्छा सच्ची सच्ची बोलो, कितना टाइम लगा तुमको ये गाना प्रिपेयर करने के लिए? दोनों गाने मिले तो 5 मिनट। ये जब ये जमी गा रही है आसमान, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। ये जमी गा रही क्या बात है, आसमान गा रहा है। ये जो मेरा गाना है हे कांची, इसको सुनकर एक्चुअली काफी बातें मुझे याद आई। ऐसा है कि ये गाना पूरा ट्रेन पर था, मतलब मैं इंजन के ऊपर बैठी थी और चिंटू जी पीछे खड़े होके गा रहे थे और मैं पूरी दुखी यूं नाराज यूं बैठी हूँ, लेकिन असल में डर रही थी मैं, क्योंकि इट वॉज अ रियल ट्रेन, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। अच्छा डरने के बाद पता है क्या हुआ? क्या हुआ? एक मेरा वो काला वाला शॉल था और वो कोयले की इंजन थी और उस गर्मी से ना वो शॉल में आग लग गई। ओह नो। एंड आई वाज लाइक सो फ्राइटेंड, पता नहीं मेरा क्या है आग से रिश्ता, ये दूसरी बार हुआ चिंटू जी के साथ। एंड उन्होंने फौरन से वो शॉल निकाली और बाहर फेंक दी। सो इट वाज सच अ फ्राइटफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। तो ये गाना बिल्कुल मेरे जहन में दिमाग में एकदम यू करके बैठ गया है, लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया ऋतु। दुनिया हिला दी। Love you.
बात है, इन्हें इधर आओ मनी, यहाँ आइए आप। ये गाना एक्चुअली सुन के मेरा मन हो रहा था उधर आके आपके साथ डांस करूं, तो मैं आपको इधर यहाँ आओ मनी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया गाया मनी, और आखिर में तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कान थी ना, इट वाज लाइक ही इज अचीव्ड इट, यू नो, दैट वाज ग्रेट। थैंक यू मनी, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सो मच। वन टू थ्री। प्रगति मैदान से भी बड़ा माथाधारी दानिश। आपका अगला दबंग कौन है? जब ये गाएंगे तो आपके दिल पे नहीं रहेगा काबू। अच्छा। आ रही है मेरी टीम से आर्यनंदा बाबू। हिली हुई है सारी दुनिया इसके गाने से। साइली बताइए कि साइली के सोल्जर से कौन आ रहा है? आदि भैया, अब मेरी टीम से मैं उसे बुलाना चाहूंगी जो आपका, हमारा और सबका फेवरेट शेफ है, वो है प्रत्युष आनंद, और उसके साथ दानिश की टीम से अरुणा दास। वाह।
सुपर्ब सुपर्ब आपको मालूम है प्रत्युष जब आप गा रहे थे गाना आप छोटे से ऋषि कपूर लग रहे थे ऋषि कपूर के अदाओं में आपने गाना गाया और ये मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है सितमगर फिल्म का और ये अभी हिमेश जी हम ये बात कर रहे थे कि पूरा गाना स्लो मोशन में था और कैसे लिपसिंग किया होगा उस गाने को और पूरे फॉग में शूट किया था और बहुत रोमांटिक था और आपने बिल्कुल वैसे ही छोटे चिंटू जी जैसा गाया एंड अरुणा यू हैव सच अ स्वीट वॉइस आप बिल्कुल रोमांटिक साउंड करती हैं जो भी गाना गाती हैं वेरी वेल डन बोथ ऑफ यू पूनम मैम जब आप आइडल में आए थे पिछली बार तो मुझे आपके साथ ना परफॉर्मेंस करनी थी बट वो मुझे मौका नहीं मिला तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरी इच्छा जो है वो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है मैम कि आज यहाँ पर मैं चाहता हूँ आपके साथ स्टेज शेयर करना चाहता हूँ हम तो यहाँ पर खीर खाने बैठे हैं तू अकेला डांस कर यहाँ पर है ना मैं और पवन भी है ये मौका हम भी नहीं जाने देंगे हाथ से बिल्कुल मैम हम तीनों आपके साथ डांस करना चाहते हैं मैम चलिए हो जाए फिर आइए Gapoochi, gapoochi, gum, gum. Kishiki, kishiki, gum, gum. Gapoochi, gapoochi, gum, gum. Gum gum, kishiki kishiki gum gum, gapuchi gapuchi gum gum. गापुची गापुची गम गम अभी इसका मतलब भी बता ही दो पूनम यश जी से मैंने भी पूछा और सब लोग पूछते थे इसका मतलब क्या है तो यश जी ने गाने ये पिक्चर में डाल दिया गापुची गापुची गम गम आई लव यू वेरी वेरी मच दैट्स व्हाट इट मींस क्योंकि सारे अपने प्यार करने वाले अपनी क्यूट सी लवर्स लैंग्वेज बनाते हैं तो उस फिल्म में ये लैंग्वेज बनाई थी सो ऑल ऑफ यू गापुची गापुची गम गम जजेस बताइए कि कौन है इस बार का टीम ऑफ द वीक पवनदीप के पटाखे जजेस अब वक्त आ गया है जानने के लिए कि पिछले हफ्ते के वोट्स और स्कोर्स के हिसाब से कौन है वो पांच कंटेस्टेंट्स जिनको मिलेंगे सुपर मेडल्स ओके द टॉप फाइव मेडल विनर्स आर रोहन साइशा रंजन मनी ऋतुराज और अब जजेस पिछले दो हफ्ते और इस हफ्ते के स्कोर्स के हिसाब से हमें बताएं कि वो कौन से तीन कंटेस्टेंट्स हैं जो बॉटम में सबसे पहला नाम है समायरा दूसरा नाम है प्रत्युष तीसरा नाम है अरुणा तीन हफ्तों के वोट्स को मिलाकर जिस कंटेस्टेंट को रिवीजन के लिए घर जाना होगा वो नाम है अरुणा Let's have a huge round of applause for Aruna. Yes. You are a star, Aruna. You're a star. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.